सो गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, पार्डन मी फॉर दैट। तो आज हम लोग का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जी कैम जो है, जी कैम हम लोग काफ़ी पसंद करते हैं, सभी जी कैम पसंद करती है। क्यों? इसके फोटो क्वालिटी के लिए। जी कैम का HDR प्रोसेसिंग सुपर्ब होता है, लेकिन आपने कभी सोचा था कि जी कैम 48 मेगापिक्सल को भी पिक्सल बिंड करेगा? अभी जी कैम का एक अपडेट आया है, जी कैम 7.2, जो 48 मेगापिक्सल को भी पूरा सपोर्ट करता है। पहले जी कैम सिर्फ 12 मेगापिक्सल से सपोर्ट करता था, अब 48 मेगापिक्सल का भी पिक्सल बाइंडेड फोटो जी कैम सपोर्ट करता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जी कैम का ऐप है जो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, जी कैम 7.2। एक मैजिस्क, मतलब आपका फ़ोन रूटेड होना चाहिए, एक मैजिस्क मॉड्यूल मैं दूंगा, रूटेड नहीं होने से भी चलेगा, एक्चुअली मैजिस्क इंस्टॉल्ड होना चाहिए उसमें। एक मैजिक्स मॉड्यूल का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अपने मॉडल के हिसाब से K20 Pro या Mi 90 जो भी हो आपका, उसके हिसाब से आपको वो मैजिस्क मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपका काम वही ख़त्म होता है। तो उसके बाद आपको कैमरा ऐप में चले जाना पड़ेगा ऐसे। अब आप देख सकते हो कि कैमरा ऐप मेरा प्रॉपर्ली वर्किंग है। अगर मैं आपको थोड़ा क्लोजर व्यू दूँ तो आपको दिख रहा होगा, ये रहा एक 48 मेगापिक्सल का बटन। सो कैमरा ऐप इंस्टॉल करते ही आपको ये बटन नहीं मिलेगा, आपको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इसके सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एडवांस में जाना पड़ेगा, HDR कंट्रोल, RAW JPEG जो भी आपको इंस्टॉल ऑन करना है वो आप कर दीजिएगा। यहाँ पे IMX586 सेलेक्ट करने के बाद एकदम लास्ट ऑक्सिलरी कैमरा भी आप यहाँ इनेबल कर सकते हैं। एकदम लास्ट जो ऑप्शन है यहाँ पे जो मिलता है, जो कि है Show 12/48MP बटन, वो आपको इनेबल करना है। लेकिन मैजिस्क मॉड्यूल को मतलब मैजिस्क में मॉड्यूल को इंस्टॉल करने के बाद, मैं फाइल्स भी दिखा दे रहा हूँ, यह है जी कैम 7.2, यह है मैजिस्क मैनेजर मेरा, यह है मैजिस्क का जिप और इसका मैजिस्क मैनेजर, इसको आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैजिस्क का जिप वहीं से ही आपको मिल जाएगा, वहाँ से आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में उसके मॉड्यूल का, जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको, अगर हम लोग टैप करें एक बार तो ये देखिए ये स्विच कर जाता है। अभी यहाँ पर 12 मेगापिक्सल मोड में ही आ चुका है, मैं आपको थोड़ा जूम इन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे 12 मेगापिक्सल मोड आ चुका है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात लगी मेरे को कि गूगल कैमरा में भी सपोर्ट आ चुका है 48 मेगापिक्सल का और 12 मेगापिक्सल का। तो चलिए दो फोटो क्लिक करके हम लोग देख लेते हैं। तो ये है, हम लोगों ने क्लिक कर दिया एक 12 मेगापिक्सल मोड में फ़ोटो, अब हम लोग इसे 48 मेगापिक्सल में करते हैं, और एक फ़ोटो जो है हमने 48 मेगापिक्सल मोड में क्लिक कर लिया। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं वो फ़ोटो। तो फोटोज देखने के लिए चलिए हम लोग आ जाते हैं अपने फोटोज ऐप में। तो ये रहा मेरा फोटोज ऐप यहाँ पे है, तो ऑन कर लेते हैं इसे। तो ये रहे मेरे लेटेस्ट दो पिक्चर्स, तो यहाँ पे आ जाते हैं ये फर्स्ट पिक्चर जो कि 12 मेगापिक्सल मोड में है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं और इसके यहाँ पे, अच्छा एक बात जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये K20 Pro ये मॉडल गूगल कैमरा नहीं बताता, ये पता नहीं हमेशा बताता रहता है Xiaomi Mi 90 Pro, जबकि मेरा मॉडल Redmi का K20 Pro है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है अपर्चर 1.8 और ये देखिए यहाँ पे लिखा है ये 12 मेगापिक्सल का फोटो है। अब अगर हम लोग आ जाए इसके नेक्स्ट फोटो में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी Mi 90 Pro ही बता रहा है, लेकिन ये फोटो जो है वो 48 मेगापिक्सल का है। तो ये काफ़ी अमेजिंग चीज़ है, ये गूगल कैमरा मोड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि 48 मेगापिक्सल को मैंने इसके पहले किसी भी गूगल कैमरा मोड में कभी नहीं देखा, ये एकदम प्रॉपरली वर्किंग गूगल कैमरा मोड है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन हाँ 48 मेगापिक्सल मोड में थोड़ा स्क्रीन जिटरी हो जाता है, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इशू है। तो ये आपको थोड़ा अपने हाथ स्टेबल रखने पड़ेंगे। तो मैजिस मॉड्यूल में अगर हम लोग आ जाए तो इसके मॉड्यूल्स में मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सी मॉड्यूल की मैं बात कर रहा था, मैं इस मॉड्यूल की बात कर रहा था। ये मॉड्यूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा 48 मेगापिक्सल मोड को एक्टिवेट करने के लिए। मैं लिंक सब कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।